हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे और उस पर रिलेटेड जितने भी फेमस पर्सन हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा SSC में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये SSC आप अगर आप CGL भी देते हैं, CHSL देते हैं, उसमें बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके से तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, पहला चलिए ओके पहला पढ़ते हैं हम लोग। पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं सहनाई। सहनाई ठीक है, इससे रिलेटेड फेमस पर्सन दो हैं जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला नाम है उस्ताद, ये आप लोग भी बहुत जानते होंगे, बहुत फेमस पर्सन है ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान। इसको मैं याद करने के लिए बताऊंगा। ठीक, लिखा तो सब जगह रहता है, अगर इंटरनेट पे भी अब मिलेगा तो लिखा हुआ मिलेगा। आपको एग्ज़ाम में याद कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा नाम है जो बहुत फेमस है दयाशंकर। ठीक है, दयाशंकर ये तो मैंने लिख दिया, यही दो में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको याद कैसे रखिएगा देखिए मैं बताता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्ला खान, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिस है, बिस मतलब क्या होता है, जहर होता है। तो जहर जहर अगर आप पी लेते हैं तो आपको सहन नहीं ना होता है, देखिए सहन नहीं होता है। ठीक है, जब आप बिस पी लेगा तो सहन नहीं होगा, तो वहाँ से आप याद रखिएगा सहनाई। जब भी देखिएगा बिस्मिल्ला खान तो क्या नाम रखिएगा, सहनाई। ठीक है, सहनाई याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दयाशंकर, सेकंड में क्या है, दयाशंकर। अगर शंकर मतलब दया, शंकर भगवान अगर शंकर भगवान पे अगर आपके पास आपको दया नहीं है, ठीक है, आप पे दया नहीं है शंकर भगवान का, तो आपका सहा नहीं जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा तो कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, शंकर भगवान के आपके पास आप पे दया नहीं है तो आपको सहन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। पहला मैंने क्या बताया था, बीस अगर आप पी लेते हैं तो सहा नहीं जाता है, और शंकर भगवान पे आप पे दया नहीं है तो सहा नहीं जाएगा। इस तरह याद रखिएगा सहनाई। बताइए याद हो गया कि नहीं आपको, ये थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है ठीक है, सहनाई से याद हो गया ये दोनों, अब कभी भी नहीं भूलिएगा। ये दो फेमस पर्सन थे सहनाई पे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का और उस पर रिलेटेड जो फेमस पर्सन है वो पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं तबला। ओके, तबला पढ़ते हैं। तबला में तीन चार पर्सन फेमस जो हैं, जो और चलिए इससे रिलेटेड कौन से पर्सन फेमस है मैं बताता हूँ आपको। पहला तो आप सबको ही जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन, सब जानते होंगे। ठीक है, दूसरा पर्सन है उस्ताद अल्लाह रखा। तीसरा जो पर्सन फेमस है उनका नाम है, थर्ड पर्सन है आप याद रखिएगा आनिंदो चटर्जी। ओके, अब इसको याद कैसे रखिएगा, लिख तो मैंने लिया है, इसको याद कैसे रखिएगा। देखिए ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है उस्ताद जाकिर हुसैन, सबको जानता है। ठीक है, ये तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बल है, बल
बल मतलब क्या होता है, ताकत होता है। तो अल्लाह अल्लाह के पास क्या है, बहुत सारे ताकत है, ठीक है, अल्लाह के पास ताकत है, यहाँ से याद रखिएगा, अल्लाह के पास क्या है, ताकत है, ठीक है। नींद, नींद बहुत आता है टेबल पे, तबला पे याद रखिएगा, नींद, नींदो, नींद आ रहा है ना, नींद, नींद क्या करता है, टेबल है समझ लीजिए, तबला है तो टेबल एक ही लग रहा है ना, तो वो नींद आता है टेबल पे। ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है, ये उतना नहीं पूछा जाता है, एक दो बार आ गया था मैंने इसलिए बता दिया, मैंने लास्ट टाइम आ गया था क्वेश्चन इसका इसीलिए मैंने बता दिया आपको। ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं रेयर में, ज़्यादातर तो यही दोनों पूछे जाते हैं, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, ठीक है। अल्लाह अब बल, बल मतलब ताकत होता है, तो अल्लाह के पास बहुत ताकत है। जाकिर हुसैन सब याद रखिएगा, बहुत फेमस है ये, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, आपको याद तो हो रहा है ना, आपको याद तो हो रहा है ना, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सितार पढ़ेंगे, ठीक है, सितार, तीसरा में क्या है हम लोग, सितार पढ़ेंगे, ओके, सितार में, सितार, सितार में कौन से पर्सन फेमस है मैं आपको बताता हूँ, इस पर भी तीन चार पर्सन है जो ज़्यादा फेमस है और उस पर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है आपका पंडित, पंडित रवि शंकर, ओके, पंडित रवि शंकर। दूसरा जो फेमस है निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, ओके, निखिल बनर्जी। थर्ड पर्सन जो फेमस है उस्ताद विलायत खान, विलायत खान, ओके, एक तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खान, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये पूछे जाते हैं। एक और आप ले लीजिए जो पूछे जाते ही हैं, उस्ताद रईस खान, क्या है, रईस खान, आपको दिख तो रहा है ना, उस्ताद रईस खान, ओके, ये चार पूछे जाते हैं। अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए पहला क्या है, रवि शंकर, शंकर भगवान क्या है भाई, स्टार है, स्टार, सितार से आप देखने में नहीं लग रहा, स्टार है, स्टार है, स्टार मतलब फिल्म स्टार, ओके, शंकर भगवान क्या है, स्टार है, रवि शंकर, शंकर भगवान स्टार है, इस तरह से याद रखिएगा। निखिल बैनर, बैनर जिसका बैनर लगता है, अब मूवी भी देखिएगा जिसका बैनर लगता है, तो स्टार लोग कहीं लगता है, मतलब स्टार नहीं और बहुत लगता है, लेकिन मूवी में हम लोग देखे होंगे जिसका बैनर वगैरह बनता है तो स्टार रहते हैं, ठीक, स्टार जो स्टार होता है उसी का बैनर होता है, और लोग भी बनते हैं बैनर, लेकिन इस तरह से याद रखिए, जिसका बैनर होता है वो स्टार होता है, ठीक है, बैनर, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट है विलायत खान, विलायत, विलायत मतलब क्या होता है, विदेश, विदेश में कौन जाता है, स्टार लोग जाते हैं ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, तो स्टार लोग मतलब स्टार में पास ज़्यादा पैसा है, विलायत, बुरा नहीं मानिएगा, बस मैं इस याद करने के लिए बता रहा हूँ कि इसी तरह से आपको याद हो जाए बस, ठीक है, आपको सिर्फ एट द एंड आपको एग्ज़ाम ही निकालना है, बस बस आपको याद रहना चाहिए। विलायत, विलायत मतलब क्या होता है, विदेश, विदेश में अगर जब जाते हैं तो कौन लोग जाता है, स्टार लोग ज़्यादा जाता है, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। रईस, यहाँ रईस है, रईस मतलब क्या, अमीरी हुआ, अमीरी लोग जाते हैं स्टार,
इस तरह से याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। अब याद हो गया कि नहीं आपको बताइए। अगर आपको अच्छे लग रहे तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने पहला बताया रवि शंकर, शंकर भगवान क्या है, स्टार है, सितार है, मतलब इस तरह से बोलिएगा तो याद रहेगा। बैनर किसका बनता है भाई, जो स्टार होता है। विलायत कौन जाता है भाई, जो बड़े लोग स्टार लोग रहते हैं, रईस स्टार लोग जाते हैं लोग, ठीक है, सितार, इस तरह से याद रखिएगा। अब याद होगा कि नहीं आपको बताइए बताइए बताइए, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है फ्लूट, ठीक है। इसको हम हिंदी में बांसुरी बोलते हैं और बांसुरी भी लिखा रहता है, बांसुरी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही बात है, दोनों एक ही। इसको हिंदी में लिखा जाता है फ्लूट को बांसुरी, ठीक है। कोई कोई ऑप्शन में आपको इंग्लिश में इस तरह लिखा रहेगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ओके। इसमें फेमस पर्सन है आपका पंडित हरिप्रसाद, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पंडित हरि प्रसाद प्रसाद चौरसिया। क्या है भाई, चौरसिया है, चौरसिया। सेकंड पर्सन जो फेमस है इसमें पन्ना लाल घोष, कौन है, पन्ना लाल घोष, ये दोनों फेमस है। और भी बहुत सारे हैं, राकेश चौरसिया है, राजेंद्र प्रसन्ना है, और नवीन कुमार है, रोनू मजूदार है, लेकिन वो सब बहुत कम पूछे जाते हैं इसलिए मैंने नहीं बताया। ऐसे तो बताने के लिए तो बहुत है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। ये चार नंबर हो गए ना, मैं चौथा बता रहा हूँ। ये अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए इसको याद रखिएगा। एक तो देखिए बांसुरी मतलब बैन, बैन मतलब क्या, बंद हो गया, पान क्या हो गया भाई, बैन हो गया है भाई, ठीक है, लाल पान जो था वो बैन हो गया है, इस तरह याद रखिएगा। पान जो था लाल वो क्या हो गया है, बैन हो गया है, बांसुरी, ओके, बैन हो गया है क्या, पान। अब पान लोग खाते हैं, बैन नहीं हुआ, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो पान जो है वह बैन हो गया है, सब याद रखिएगा, बांसुरी, ओके, याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद रखिएगा, ओके, अब इसको कैसे याद रखिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया, इसको मैं बनाता हूँ अभी मैं आपको। देखिए हरि है ना, हरि तो आप हरा याद रखिएगा, हरि हरा प्रसाद अगर आपको मिलेगा तो वो बैन हो गया भाई, हरा प्रसाद भी बैन हो गया, क्या रखिएगा, बैन, बांसुरी, ठीक है। लाल पान भी बैन हो गया है, हरा प्रसाद भी बैन हो गया, बस याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, बस याद याद रखने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस तरह से याद रखेगा ना तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, तुम जब भी एग्जाम में देखिएगा इसे हरि प्रसाद, अरे सर बोले थे हरा प्रसाद क्या हो गया, बैन हो गया, मतलब फ्लू, मांसुरी, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। देखिएगा मैं आपको ये इसका कमेंट कीजिएगा, तो मैंने बताया था आपको उस्ताद बिस्मिल्ला खान कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, वो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, बिस्मिल्ला खान, बताइए आपको याद हो गया कि नहीं। इसको मैंने क्या बताया था आपको, बिस्मिल्ला खान किस चीज़ से रिलेटेड है, आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर से, ओके, कमेंट कीजिएगा बिस्मिल्ला खान का कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो आते हैं वो क्या है, सरोद, ओके, सरोद,
सॉरी क्या है भाई, सरोद हार है ये, ओके सरोद। इसमें फेमस पर्सन है पहला उस्ताद अली अकबर, उस्ताद अली अकबर। दूसरा पर्सन है जो फेमस है अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान। दिख तो रहा है ना आपको, उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट पर्सन जो फेमस है इसमें अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन। ज़्यादातर सरोद में ज़्यादा जो मुस्लिम वर्ग का है अलाउद्दीन, ओके अलाउद्दीन खान, ये सब फेमस है। और भी हैं, अमन अली है, आयान अली है, वो सब तो आज देखे नहीं गए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपको। वैसे याद करने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं जितना इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, जो आने की संभावना है और जो आ रखे हैं। चलिए अब इसको याद कैसे रखिएगा आपको, सेशन अच्छे तो लग रहे हैं ना। चलिए अब इसको सरोद का कैसे याद रखिएगा, यहाँ देखिए रॉड है, रॉड मतलब क्या होता है, कुछ रॉड होता है रॉड। तो अकबर क्या रहते थे, अकबर जो है, ठीक है, इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए इसको सिंपल है याद रखिएगा, अकबर तो आप लोग जानते ही होंगे, अकबर हमेशा रॉड लेके चलता था, क्या लेके चलता था, रॉड मतलब क्या, कुछ लकड़ी वगैरह समझ लीजिए, कुछ रॉड है लोहा का, वो लेके चलता था अकबर। अली भी लेके चलता था, अली तो इसमें रह दीजिए, अलाउद्दीन जो खिलजी आप लोग जानते थे, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है लेकिन खान है यहाँ पे, उस तरह से याद रखिएगा, अलाउद्दीन जो है वो भी हमेशा क्या लेके चलता था, रॉड लेके चलता था, इसको आप याद रखिएगा। अमजद भी सरोद बजाता था, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ओके क्या है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम लोग, वायलिन पढ़ते हैं, ठीक है, वायलिन पढ़ते हैं, ठीक है वायलिन। इसमें फेमस पर्सन है, पहला तो जो फेमस पर्सन है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, ओके क्या है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। सेकंड पर्सन जो फेमस है इसमें संगीता राजन भी फेमस है। तीसरा जो फेमस है उनका नाम है विष्णु गोविंद। चौथा है शिशिर चौधरी भी है, चलिए ये मैं बताता हूँ, डॉक्टर श्रीमती एन राजन भी है, और भी है ओके। ठीक है वायलिन में ये चार हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट तो यही है, और है इसमें शिशिर चौधरी भी है,
लेकिन उतना पूछते नहीं है वो। चलिए इसको अब याद कैसे करेंगे, मैंने बता दिया वायलिन का एज अ फेमस पर्सन है, उसमें से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस है यही है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। ओके उसके बाद विष्णु गोविंद है। चलिए इसको याद कैसे रखेगा मैं बताता हूँ आपको। वायलिन 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 नाम सुनते हैं तो आप क्या लगता है किस तरह का मतलब सेंस आता है, वायलेंट क्या है भाई, वायलेंट मतलब गुस्सा आदमी। तो जिसके पास मनी है, मनी पैसा है तो थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है, गुस्सा आता है उसके पास, ऐसा होता नहीं है किसी किसी के पास बोल रहा हूँ मैं बुरा नहीं मानने का, ठीक है। मनी मनियम सुब्रमण्यम मनियम, जिसके पास मनी है वायलेंट रहता है, याद रखिएगा। संगीता इसको अभी रहने दीजिए। विष्णु विष्णु भगवान जो है वो कभी वायलेंट नहीं होते, ठीक है, कभी वायलेंट नहीं होते, कभी भी वायलेंट नहीं होते। महाभारत में भी देखे होंगे आप लोग विष्णु भगवान, विष्णु भगवान भी जो है, विष्णु भगवान इसको याद कैसे रखेगा, जो विष्णु भगवान है कभी वायलेंट नहीं होते, क्या नहीं होते, वायलेंट कभी नहीं होते। इस तरह से याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, विष्णु भगवान कभी वायलेंट नहीं होते। ओके इसका ट्रिक तो आपको दोनों राजन ही है, राजन राजन देखिए, राजा 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 है ना, दोनों राजा हैं, राजा यहाँ भी राजा यहाँ भी, तो राजा थोड़ा सा वायलेंट ही रहता ही है हमेशा। तो कैसे मैंने बताया, मनी जिसके पास रहता है वो वायलेंट रहता है, राजा रहता है वो भी थोड़ा सा वायलेंट रहता है, राजा रहता है थोड़ा सा वायलेंट रहता है, और विष्णु भगवान कभी भी वायलेंट नहीं रहते। इस तरह से याद रखिएगा वायलेंट, ये चार नाम याद रखिएगा, ठीक है। आपको अच्छे तो लग रहे हैं ना, कोई याद तो हो रहे हैं ना, मैटर ये करता है बस। ओके और मैंने तो बताया था आपको कमेंट करना है आपको बिस्मिल्ला खान का, बिस्मिल्ला खान का मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था, और अभी कर लीजिए आप। आपको मैं देता हूँ एक जो कमेंट आप करिएगा। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है वो आप कमेंट कीजिएगा। एक एक तो ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। कमेंट भी कीजिएगा ना तो आपको थोड़ा सा ऐसे याद रहेगा कि मैंने हाँ कमेंट किया था इस वक्त। अगर उसी क्वेश्चन अगर आ जाएगा आपको एग्जाम में तो ये आपको एकदम याद रहेगा कि ये तो मैंने किया था, कमेंट किया था। इस तरह से भी आपको थोड़ा सा याद रहेगा क्योंकि एग्जाम में यही सब याद रहते हैं, उतना याद नहीं रहता, सब याद करने वाला रहता है ना, थोड़ा सा भूल भी जाते हैं, डाटा है ना इसलिए, तो डाटा भूल जाते हैं लोग। अगर जो मैं बता रहा हूँ इस ट्रिक से आप फिर भूलिएगा नहीं, इसीलिए मैं कुछ ऐसे ही ऐसे जिस तरह मैं कुछ रिलेट करके बता रहा हूँ उस तरह से आपको याद रहेंगे हमेशा दिमाग में।